इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में छात्र संघ के वार्षिक कार्यक्रम में शिरकत करने जा रहे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को लखनऊ हवाई अड्डे पर रोकने के खिलाफ सपा कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए और उन्होंने जमकर हंगामा किया, जहां सपा कार्यकर्ता और पुलिस के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अर्थी दहन को लेकर टकराव हुआ। सपा पार्टी कार्यालय के सामने पुलिस और सपाई आपस में भिड़ गए। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को लखनऊ एयरपोर्ट पर रोके जाने का गुस्सा व्यक्त करते हुए जोरदार धरना प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पहले पार्टी मुख्यालय पर एक योगी का पोस्टर लगाकर सांकेतिक अर्थी बनाई और उसे लेकर जब वह जिला मुख्यालय की तरफ चलने लगे तो पहले से मुस्तैद पुलिसकर्मियों ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन जब सपा कार्यकर्ता नहीं माने तो इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई और पुलिस ने पुतला छीन लिया। इसके बाद गुस्साए सपा के नेताओं ने दार प्रदर्शन करते हुए योगी मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाए और सरकार के विरोध में नारे लगाते हुए कलेक्ट्रेट के गेट पर पहुंचे। वहां बैठकर एक साथ नारेबाजी करते हुए सपा कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग भी की और राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन एसडीएम को सौंपा है। देखिए, सबसे पहले हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को लखनऊ एयरपोर्ट पर जबरन रोका गया, सीधे तौर पर लोकतंत्र की हत्या है, जिसके विरोध में सभी कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय बुलंदशहर पर इकट्ठा हुए और वहां से हमारे कार्यकर्ताओं ने मिस्टर योगी की एक अर्थी बनाई, जिसको जबरन पुलिस ने हमें वहाँ नज़रबंद किया और जबरदस्ती उस अर्थी को तोड़ा गया। ये लोकतंत्र की हत्या कब तक करते रहेंगे? 2019 में जनता इनकी बहुत बड़ी अर्थी निकालने वाली है और इस तानाशाही का जवाब देने वाली है। बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से टाइम्स एटी न्यूज के लिए दीपक शर्मा की रिपोर्ट।